आज इस सेशन में हम नेक्स्ट टॉपिक डील करते हैं जो कि है क्रैब साइकिल। प्लस वन प्लस टू में आप लोगों ने क्रैब साइकिल के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि क्रैब साइकिल क्या होता है या फिर वो क्यों जो साइकिल है पूरा वो क्या हो रहा है। तो बेसिकली क्रैब साइकिल में क्या हो रहा है, कन्वर्जन होता है। ये एसिटाइल कोएंजाइम ए प्लस ऑक्सैलो एसिटेट मिल के कैसे वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, मतलब कैसे वो एटीपी प्रोड्यूस करते हैं, ये हम क्रैब साइकिल में देखते हैं। तो आज सबसे पहले हम डील करेंगे कि क्रैब साइकिल किसने इन्वेंट किया था, कब इन्वेंट हुआ था, ये सारी चीज़ें हम डील करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं क्रैब साइकिल। क्रैब साइकिल के और भी नाम हैं, जैसे इसको हम TCA साइकिल भी बोलते हैं या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। TCA का फुल फॉर्म क्या होता है, ओके मैं यहाँ पर लिख देती हूँ एक बार। ओके TCA साइकिल भी बोलते हैं इसको। TCA का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ठीक है। एक तो ये नाम हो गया TCA साइकिल, दूसरा नाम है सिट्रिक एसिड साइकिल, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, पाइरूवेट फर्दर ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है एसिटाइल कोएंजाइम ए में, और एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ ऑक्सैलो एसिटेट मिलके क्या बना रहा है, सिट्रिक एसिड बना रहा है, सिट्रेट बना रहा है यहाँ पे। तो इस पूरे साइकिल को हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल। और बिकॉज जिन्होंने डिस्कवर किया था TCA, मतलब जो क्रैब साइकिल है उसके बारे में, कि हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके अंदर ऐसे प्रोसेस भी चलते हैं, ऐसे रिएक्शंस भी होते हैं, वो जिन्होंने पता लगाया था उनका नाम क्रैब्स यहाँ पे है, हैंस एडोल्फ क्रैब्स। तो उनके नाम पे हम इस साइकिल को प्रोनाउंस करते हैं, क्रैब साइकिल, ठीक है। तो ये पूरा इस साइकिल का नाम है, ठीक है। TCA साइकिल मतलब ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल और क्रैब साइकिल, ठीक है। 1937 में सबसे पहले ये पता लगाया गया था कि जो माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं सेल में, जो माइटोकॉन्ड्रियाज है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हम नॉर्मली पावर हाउस बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि एनर्जीज का जो सप्लाई होता है, एनर्जी जो मिलती है बॉडी को वो कहाँ से मिलती है, सेल के जो माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं अंदर उनसे मिलती है। तो माइटोकॉन्ड्रियाज के अंदर ही ये सारे रिएक्शंस चलते हैं, जो भी एनर्जी का प्रोडक्शन है या कितना एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, कितना एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो चलती हैं वो कहाँ चलती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में चलती हैं। और ये चीज़ 1937 में पता लगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये क्रैब साइकिल जैसा, मतलब सिट्रिक एसिड साइकिल जो है वो भी एग्जिस्ट करता है, जिसमें क्या हो रहा है, एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो फर्दर कन्वर्ट होते हैं किसमें, ATPs में, मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट्स में, जो कि एनर्जी का फॉर्म है, ओके। ये किसने दिया था, हैंस एडोल्फ क्रैब्स और विलियम आर्थर जॉनसन जो है, इन दोनों ने मिलके ये क्रैब साइकिल के को एक्सप्लेन किया था और क्रैब साइकिल को दिया था, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था फर्दर 1953 में, ओके। तो ये था जस्ट इंट्रोडक्शन कि मतलब क्या क्रैब साइकिल का इंट्रोडक्शन था, ये इंट्रोडक्शन ऑफ TCA, ठीक है, TCA साइकिल, ये जस्ट इंट्रोडक्शन था। अब आते हैं हम साइकिल पे। ग्लाइकोलाइसिस में आप लोगों ने देखा था कि ग्लूकोज से पाइरूवेट का जो कन्वर्शन है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, यहाँ तक पाइरूवेट तक हम कन्वर्शन देख चुके हैं। अब पाइरूवेट जो है वो फर्दर ऑक्सीडाइज्ड होता है ताकि ये साइकिल मतलब हो पाए, ठीक है, ये साइकिल फर्दर एनर्जी प्रोड्यूस कर पाए। तो अब हम देखते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। पाइरूवेट जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। एसिटाइल कोएंजाइम ए में किसके हेल्प से कन्वर्ट हो रहा है, पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये एक ये जो एंजाइम है, ओके, जितने भी ये ब्लू मार्कर से लिखे हुए हैं वो सारे के सारे एंजाइम्स हैं। तो जितना भी ये जो पाइरूवेट जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये फर्दर कन्वर्ट हो रहा है एसिटाइल कोएंजाइम में। एसिटाइल कोएंजाइम यहाँ पे क्या है, टू कार्बन मॉलिक्यूल है, ठीक है, यहाँ पे टू कार्बन मॉलिक्यूल है,
एसिटाइल कोएंजाइम जो है वो फर्दर किसके साथ एड अप हो रहा है, किसके साथ मिक्स हो रहा है? ऑक्सैलो एसीटेट के साथ। ऑक्सैलो एसीटेट भी क्या है? 2 कार्बन मॉलिक्यूल है जो कि ये मिलके क्या बनाते हैं? 4 कार्बन मॉलिक्यूल बनाते हैं। ओके, एसिटाइल कोएंजाइम क्या है? एसिटाइल कोएंजाइम एक मॉलिक्यूल है जो कि बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है, चाहे वो रिएक्शंस प्रोटीन के साथ हो या कार्बोहाइड्रेट्स के साथ हो या फिर लिपिड्स के साथ हो, ये सभी के साथ रिएक्शंस जो हैं वो जितने भी रिएक्शंस होते हैं उसमें ये क्या पार्टिसिपेट करता है। ओके, तो एसिटाइल कोएंजाइम 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, ऑक्सैलो एसीटेट 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं और ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? 4 कार्बन मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अब एसिटाइल कोएंजाइम ए और ऑक्सैलो एसीटेट जो है वो फर्दर कन्वर्ट हो रहा है सिट्रेट में, ठीक है। किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ सिट्रेट सिंथेसिस, ठीक है। सिट्रेट सिंथेस की हेल्प से वो कन्वर्ट हो रहा है सिट्रेट में। यहाँ क्या हो रहा है? वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O इज़ बीइंग यूज्ड एंड कोएंजाइम ए जो है, सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ कोएंजाइम ए जो है यहाँ पे रिलीज हो रहा है, सॉरी। और यहाँ पे क्या है? ये 4 कार्बन मॉलिक्यूल्स था, 4 कार्बन मॉलिक्यूल से ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? सिट्रेट जो है वो आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पे। आइसोसिट्रेट में किसके हेल्प से कन्वर्ट हो रहा है? एकोनिटेस से, ठीक है। एकोनिटेस प्लस आयरन है यहाँ पे, ठीक है। आयरन और एकोनिटेस मिलके क्या कर रहे हैं? सिट्रेट को आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब आइसोसिट्रेट जो है वो फर्दर कन्वर्ट हो रहा है अल्फ़ा कीटोग्लूटरेट में। अल्फ़ा कीटोग्लूटरेट में कैसे कन्वर्ट हो रहा है? विद द हेल्प ऑफ आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम की हेल्प, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? वन मॉलिक्यूल ऑफ NAD इज़ बीइंग यूज्ड एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ NADH प्लस H पॉजिटिव एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 इज़ बीइंग रिलीज्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो रहा है यहाँ पे? अल्फ़ा कीटोग्लूटरेट जो है वो फर्दर कन्वर्ट हो रहा है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में। किसकी हेल्प से? अल्फ़ा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स की हेल्प से, ठीक है। और इस प्रोसेस के ड्यूरिंग, मतलब अल्फ़ा कीटोग्लूटरेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम के ड्यूरिंग क्या हो रहा है? ओके, बेसिकली ये जो कन्वर्शन होता है इसको हम ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं, ठीक है। ये क्या हो रहा है? अल्फ़ा कीटोग्लूटरेट जो है दैट अंडरगोज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन टू गिव सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, ठीक है, विच इज़ व्हाट? 4 कार्बन मॉलिक्यूल्स। अल्फ़ा कीटोग्लूटरेट क्या है? 5 कार्बन मॉलिक्यूल है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है? डी कार्बोक्सीलेशन का मतलब क्या होता है कि कार्बन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या हो रहे हैं वहाँ से ऑक्सीडाइज्ड हो रहे हैं, तो 5 से वो 4 पे पहुँच रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है? कोएंजाइम ए और NAD पॉजिटिव यूज़ हो रहा है और क्या रिलीज़ हो रहा है? NADH प्लस H पॉजिटिव और CO2। ओके, यहाँ पे 5 कार्बन्स हैं, 1 कार्बन मॉलिक्यूल क्या है वो रिलीज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? 4 कार्बन मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बच रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो रहा है? सक्सिनाइल कोएंजाइम ए जो है वो फर्दर कन्वर्ट होता है सक्सिनेट में। सक्सिनेट का जो कन्वर्शन होता है इसमें क्या हो रहा है? 2 एंजाइम्स के यूज़ से ये सक्सिनाइल कोएंजाइम जो है वो सक्सिनेट में कन्वर्ट हो पाता है। सबसे पहला है थियोकाइनेज और सेकंड है सक्सिनाइल कोएंजाइम सिंथेटेज, ठीक है। आप ये दोनों के दोनों यूज़ कर सकते हो, दोनों ही करेक्ट है। ओके, इसमें क्या हो रहा है? GDP प्लस PI, ठीक है। GDP इज़ गुआनोसाइन डाइफॉस्फेट एंड PI मैंने आपको बताया था इससे पहले के सेक्शन में। तो GDP प्लस PI यहाँ पे क्या हो रहा है? यूज़ हो रहा है और क्या रिलीज़ हो रहा है? GTP, वन मॉलिक्यूल ऑफ GTP एंड कोएंजाइम ए, ठीक है। मैं इसको लिख देती हूँ, व्हाट इज़ GDP एंड GTP। बाकी NADH और बाकी सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी पहले आपको पहले सेशन में बता रखा है। यहाँ पे जस्ट मैं GTP, GDP और FADH का मैं बता देती हूँ आपको, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, ओके, GTP, ठीक है। GTP इज़ गुआनोसाइन 5-ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। और GDP जो है दैट इज गुआनोसाइन डाई फॉस्फेट।
और एक और है यहाँ पे, वो है FAD, ठीक है। तो FAD क्या है? फ्लेविन एडिनाइन डाइफॉस्फेट, FAD इज फ्लेविन एडिनाइन या एडिनिन, आप जैसा प्रोनाउंस करें, एडिनाइन डाइफॉस्फेट। ओके, ठीक है। इसके बाद सॉरी अपन हम यहाँ थे। तो GDP प्लस PI क्या हो रहा है? ये यूज़ हो रहा है और क्या रिलीज़ कर रहा है? वन मॉलिक्यूल ऑफ GTP एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ कोएंजाइम ए, और फर्दर कन्वर्ट हो रहा है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, किसमें कन्वर्ट हो रहा है? सक्सिनेट में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? सक्सिनेट जो है वो फ्यूमरेट में कन्वर्ट हो रहा है, और ये किसकी हेल्प से कन्वर्ट हो रहा है? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की हेल्प से कन्वर्ट हो रहा है। और इस प्रोसेस में क्या हो रहा है? वन मॉलिक्यूल ऑफ FAD इज़ बीइंग यूज्ड एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 इज़ बीइंग रिलीज्ड। नेक्स्ट, फ्यूमरेट कन्वर्ट्स इनटू मैलेट विद द हेल्प ऑफ फ्यूमरेज एंजाइम, एंड इन दिस प्रोसेस वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O इज़ बीइंग रिलीज्ड। नेक्स्ट क्या हो रहा है? मैलेट जो है वो ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट होता है। ओके, मैलेट जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट नहीं होता है, मैलेट जो है वो ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट होता है। किसकी हेल्प से? मैलेट डिहाइड्रोजिनेज की हेल्प से। और इस प्रोसेस के ड्यूरिंग क्या हो रहा है? NAD पॉजिटिव, NAD जो है वो यूज़ हो रहा है, वन मॉलिक्यूल ऑफ NAD यूज़ हो रहा है, और वन मॉलिक्यूल ऑफ NADH प्लस H पॉजिटिव क्या हो रहा है? रिलीज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये था पूरा क्रेब्स साइकिल। एक बार फिर हम इसको मतलब रिवाइज कर लेंगे, बट उससे पहले अभी हम डील करते हैं कि इस पूरे क्रेब्स साइकिल में कि एनर्जी प्रोडक्शन कितना हुआ है, कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हुआ है इसमें। तो उसके लिए आप ये देख सकते हैं, ये एक चार्ट है, ठीक है, छोटा सा एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, जहाँ पे 1 NADH प्लस H पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? 3 ATP, ठीक है। ATP का फुल फॉर्म आपको पता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। 1 FADH2 क्या प्रोड्यूस कर रहा है? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, और 1 GTP क्या यूज प्रोड्यूस करता है? 1 ATP, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ पे NADH यूज़ हो रहा है वो हम देखते हैं। सबसे पहले इस पूरे में यहाँ पे यूज़ हो रहा है, इसका मतलब है 3 ATP, ठीक है। दूसरा यहाँ पे यूज़ हो रहा है 3 ATP, तीसरा यहाँ पे यूज़ हो रहा है ये 1 ATP, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा हुआ है कि 1 GTP मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू 1 ATP मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यहाँ पे ये 1 हुआ, एंड देन नेक्स्ट क्या है? FADH, तो FADH क्या है? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, तो यहाँ पे है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, एंड नेक्स्ट NADH अगेन 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। तो टोटल अमाउंट ऑफ ATP क्या हो रहा है यहाँ पे? 3 + 3 + 1 + 2 + 3, ठीक है। ओके, मैं यहाँ लिख देती हूँ, टोटल नंबर ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड, ठीक है, क्या हो रहा है? 3 + 3 + 1 + 2 + 3 कितना हो जाता है? दिस इज 9 and 12, ठीक है, 12। तो क्रैब्स साइकिल में कितना, अगर कोई भी आपसे पूछता है या फिर कोई भी क्वेश्चन आता है, तो ये पता होना चाहिए कि क्रैब्स साइकिल में, पूरे क्रैब्स साइकिल में कितना अमाउंट ऑफ, कितना मॉलिक्यूल ऑफ ATP यूज सॉरी प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज़ 12, ठीक है। एक बार आप इसको देख लो, ओके। तो ये था क्रैब्स साइकिल कि कितने मॉलिक्यूल्स यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं और कितने मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो आप जस्ट इस वीडियो मतलब देखिए, आप जस्ट गो थ्रू करिए, और अगर आपको कुछ भी डाउट्स हैं इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।